वार्ड त्रासी राजामंडी से शशि प्रजापति बसपा प्रत्याशी के रूप में कूदी मैदान में। क्षेत्रीय जनता बसपा प्रत्याशी शशि प्रजापति पर जता रही है इस बार पूरा भरोसा। क्षेत्र की जनता का कहना है कि पिछले पार्षद ने नहीं कराया कोई विकास, अब हमें शशि प्रजापति से है पूरी आस। बसपा से पूर्व पार्षद और आगरा मंडल सेक्टर प्रभारी कालीचरण डकोरिया की पत्नी है शशि प्रजापति। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव का विगुल बच चुका है, सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने जनता से अपने संपर्क साधने शुरू कर दिए हैं। वहीं वार्ड 83 राजामंडी से पूर्व पार्षद कालीचरण डाकोरिया की धर्मपत्नी शशि प्रजापति बसपा से पूरी तैयारी के साथ मैदान में कूद पड़ी हैं और जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। रमेश चंद प्रजापति ने बताया कि इस बार हम शशि प्रजापति को ही यहां से अपना पार्षद बनाना चाहते हैं। कुमार पाल उप्रेती, गुलशन भाई, रतिलाल माहौर ने संयुक्त रूप से बताया कि बसपा ने इस बार शशि प्रजापति को पार्षद का प्रत्याशी बनाकर बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हमें ऐसे ही पार्षद की जरूरत थी। निश्चित ही हम शशि प्रजापति को जीत दिलाने में पूरी मेहनत करेंगे। बल्लू बाल्मीकि, सुभाष साहू, प्रदीप साहू, संजय लहरी, हरीश जाटव, मोहन जाटव ने बताया कि हम शशि प्रजापति को अपने वार्ड 83 राजामंडी से पार्षद के रूप में देखना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें आशा है कि इस बार ये चुनावी मैदान में विकास के मुद्दे को लेकर कूदी हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये पार्षद बनेंगी और हमारे क्षेत्र का विकास जरूर कराएंगी। वहीं न्यूज पब्लिक तक चैनल से बात करते हुए वार्ड 83 से बसपा प्रत्याशी शशि प्रजापति के पति कालीचरण डकोरिया ने बताया कि मैं बसपा का जमीन से जुड़ा पुराना कार्यकर्ता हूं। इससे पहले मैं पूर्व पार्षद भी रहा हूं। वार्ड 83 की जनता पर पूरा विश्वास है कि इस बार यहां की जनता मेरी धर्मपत्नी शशि प्रजापति को बहुमूल्य वोट देकर जरूर जिताने का कार्य करेगी। न्यूज पब्लिक तक के लिए अखिलेश चौधरी की रिपोर्ट। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से नगर निगम के वार्ड नंबर 83 राजामंडी के क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा, क्षेत्र की जनता के बारे में बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के इन जुमलेबाजी से जो जनता आतंकित है, परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है और व्यापारी परेशान है, विकास के लिए लोग तरस रहे हैं, तो अब उस क्षेत्र के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का, मेरी पत्नी को बहुजन समाज पार्टी के द्वारा यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। तो क्षेत्र के लोग बाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन सभी मिल करके यहाँ घर पर आकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ तो जनता जनार्दन का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है और लोगों का हमें सहयोग करने के लिए तांता लगा हुआ है और उन्होंने मन बना लिया है। इस बार वार्ड 83 राजामंडी क्षेत्र के लोगों ने ठाना है कि पूर्व पार्षद कालीचरण डकोरिया की पत्नी शशि प्रजापति को पार्षद बनाना है। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतर रहे? क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका रूप विकराल है, सड़कें खरंजे टूटे हुए हैं, गलियों में कहीं भी कोई विकास RCC की व्यवस्था नहीं है, नल हेडपंप की व्यवस्था ऑलरेडी सरकार ने बंद कर रखी है, गंगा जल के नाम पे लोगों को धोखा दिया गया है, कहीं भी पानी जो पीने का सुचारू रूप से चलाना चाहिए सरकार के द्वारा उससे भी लोग परेशान हैं। तो इन जो जनता की आम जो समस्या हैं उन समस्याओं को लेकर के मैं संघर्ष करूंगा। जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो और मैं अगर इस बार से विजयी हुआ तो मैं क्षेत्र को चमन करने के 100% प्रयास करूंगा।